नीमच कृषि उपज मंडी में इन दिनों लहसुन की आवक तेजी से हुई है, जिसके कारण मंडी में बंपर आवक हो रही है। शहर सहित जिले व प्रदेश भर के किसान उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, जिससे मंडी की व्यवस्था बिगड़ रही है। बुधवार को कृषि उपज मंडी के बाहर लहसुन से भरे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिसके कारण मुख्य मार्ग घंटों तक बाधित रहा। इस दौरान कई अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। मंडी प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही मुख्य मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों व चालकों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। मंडी में आने वाले किसानों के लिए कहीं भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं रही, जिसके कारण किसानों को काफी निराश होना पड़ा। लंबे इंतजार के बाद भी अपनी उपज की नीलामी ना होने के चलते कई किसान थक हार कर अपने वाहनों के नीचे अपनी बारी आने का इंतजार करते दिखाई दिए। मेरा नाम मुकेश धाकड़ है, मैं चित्तौड़ जिले के बड़ी साड़ी तहसील के जसिमपुरा गांव का रहने वाला हूं। मैं यहां शाम को 9 बजे से आ गया था, कल शाम को 9 बजे से अभी तक यहां बैठा हूं। ना ही कोई व्यवस्था है, आप देख सकते हो कितनी कतारें लग रही है पीछे, ना ही पानी की व्यवस्था हुई। हम ट्रालियों के नीचे सो रहे हैं, कितनी सर्दी पड़ रही है उसमें भी हम नीचे सो रहे हैं। अभी तक अंदर तुलाई नहीं हो रही है, जल्दी तुलाई हो जाए हम जल्दी जाए और अपनी उपज बेच सके। लहसुन काफ़ी बड़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहा है और कम भाव मिल रहा है अभी तक, उस चक्कर में लाइनें इतनी लग रही है कि पूछो मत। अभी चल रही है लेकिन कम चल रही है, एक बार में पूरा निपटना चाहिए जो आधा आधा ही निपट रहा है। हम 2 दिन से खड़े हैं, कल रात को परसों रात दिन को आए थे, जो आज अब किया जावत से आए, जावत के पास तारापुर से। क्या भाव लहसुन बिकी है? आज 7,000 ही बकी, कल तो 8,000 रुपये बकी थी हमारी लहसुन। ये लहसुन 1,000 रुपये मंदा है, 1,000 मंदा है अभी आज लहसुन लेके। और आज नंबर अभी घुसने का आया और लहसुन का भाव 3,000 रुपये टूट गए, वो 5,000-6,000 ही बिक रहा है अभी लहसुन के। आज आपकी लहसुन क्या भाव बिकी? आज हमारी बिकी 6,000, जो कल परसों 8,000 बिक रही थी, 2,000 भाव टूट गए लहसुन के। भाव कम होते जा रहे? हाँ, भाव डेली कम हो रहे लहसुन के। हम लाए 10-12 क्विंटल सरोनिया मसानी से।